हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे स्पोर्ट्स पर्सन के एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, यानी कि आयरन की कमी होने से कैसे स्पोर्ट्स पर्सन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन कम होने लगता है तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में कम होने लगता है, और जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो एक्सरसाइजिंग मसल तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको फटीग देखने को मिलता है, यानी कि थकान देखने को मिलती है। साथ ही जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं उसके अंदर पुअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है उस स्पोर्ट्स पर्सन की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। इसके लिए डॉक्टर्स सीरम फेरेटिन लेवल को चेक करते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें सीरम फेरेटिन लेवल को टेस्ट किया जाता है। सीरम फेरेटिन लेवल टेस्ट करने से पता चलता है कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, एडिक्वेट है, नॉर्मल है या रिड्यूस्ड अमाउंट में है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आयरन इंजेक्शन प्रॉपर होता है, यानी कि आयरन का कंजप्शन बॉडी के अंदर जब होता है, तो एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जो पुअर परफॉर्मेंस उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से देखने को मिल रही थी वो इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो डॉक्टर्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ओवरकम करने के लिए उसको आयरन रिच फूड रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो डाइट है उसमें आयरन रहना चाहिए मील के अंदर। तो आपको ऐसे फूड कंजप्शन करना है ऐसे फूड्स का जिसके अंदर आयरन हो, जैसे कि आप लिवर और किडनी कंजप्शन कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। ऐसे सीरियल्स आपको कंजप्शन करना है जिसमें आपके ब्रेकफास्ट के अंदर ऐसे सीरियल्स आपको ऐसी दालें खानी हैं जिसमें आयरन प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो। साथ ही आपको विटामिन सी रिच फूड आपकी हर मील में शामिल करने हैं। पर दोस्तों, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के आपको कोई भी आयरन का सप्लीमेंट नहीं लेना है अगर आप एक एथलीट हैं, यानी कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डाइटिशियन के कंसल्ट किए बिना आपको अपनी डाइट के अंदर या अपने आप से कोई भी आयरन का सप्लीमेंट कंजप्शन नहीं करना है। आप नेचुरल तरीके से अपनी डाइट के अंदर आयरन का जो कंजप्शन है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने नॉनवेज खाया तो उसमें आप किडनी और लिवर आप कंजप्ट कर सकते हैं। साथ ही जो सीरियल्स हैं वैसी सीरियल्स जिसके अंदर आयरन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वो आप अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप जो होल ग्रेन होता है वो आप कंजप्शन कर सकते हैं, उसका ब्रेड खा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर आयरन को बढ़ा सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर जिनके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया रहता है वो अपनी परफॉर्मेंस को कुछ इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी दी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे एक एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन की एक्टिविटी को रिड्यूस्ड कर देता है, उसकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण बनता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे हमारी स्पोर्ट्स पर्सन्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। अगर उसका अमाउंट कम है, आयरन का आपकी बॉडी में अमाउंट कम है, तो कैसे आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।